हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पके हुए केले से केले की बर्फ़ी सिखाने जा रही हूँ। केले की बर्फ़ी बनाने के लिए हम बची हुई सारी सामग्री इकट्ठी कर लेंगे। सामग्री इकट्ठी करने के बाद हम पके हुए केले लेंगे। यहाँ पर मैंने मध्यम आकार के पके हुए केले लिए हैं। केलों का छिलका हटाएंगे और उन्हें मैश करना शुरू करेंगे। मैश करने के लिए आप चाहे तो मिक्सी का, हाथ का या फिर कांटे का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कांटे का उपयोग करके केलों को अच्छी तरह से मैश किया है। उनके अंदर कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। अब मैश किए हुए केलों को हम मापेंगे। मापने के लिए यहाँ पर मैंने मेजरमेंट कप का इस्तेमाल किया है। मेरे यहाँ पर 1 कप + 1/4 कप केले बनकर आए हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसे गैस पर रखेंगे और उसके अंदर मैश किए हुए केले डालेंगे और साथ में दूध डालेंगे। मैश किए हुए केले से दूध आपका आधा होना चाहिए, मतलब अगर मैश किए हुए केले 2 कटोरी है तो दूध आपको 1 कटोरी लेना है। अब इसे धीरे धीरे पकाना शुरू करें। इसकी आंच मध्यम होनी चाहिए और इसे लगातार चलाते हुए आपको पकाना है। इसे पकाने में मुझे 7 मिनट लगे हैं, जब तक दूध पूरी तरह से ना सूख जाए। जैसे ही ये दूध सूख जाए आप इसके अंदर 1 बड़ी चम्मच देसी घी की डाल दीजिए और इसकी आंच एकदम धीमी कर दीजिए और इसे भी 6 से 7 मिनट अब लगातार भूनना है। घी में जैसे ही हमारा बर्फ़ी का मिक्सचर भुन जाएगा आपको धीमी धीमी केले की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। इससे ये पता चलता है कि केले का मिक्सचर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। जैसे ही हमारा ये तैयार हो जाए आप इसके अंदर कद्दूकस किया हुआ नारियल, पिसी हुई 1/4 कप चीनी, थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़े से कटे बादाम और थोड़े से कटे अखरोट डाल दीजिए और इसे दोबारा अच्छी तरह से मिलाइए धीमी आंच रखते हुए। इसे मैंने 2 मिनट पकाया है। 2 मिनट पकाने के बाद इसकी आंच आप बंद कर दीजिए और अब एक प्लेट लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी फैलाइए। देसी घी फैलाने के बाद उसके ऊपर केले का तैयार मिश्रण डाल दीजिए और उसे चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से फैला लीजिए। ज़्यादा मोटी परत ना करें, पतला पतला ही फैलाएं। फैलाने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा इलायची पाउडर छिड़के, साथ में थोड़े से कटे काजू या बादाम या फिर अखरोट कोई भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने अखरोट और बादाम का ही इस्तेमाल किया है और उन्हें हल्के से चम्मच की सहायता से दबा दें। दबाने के बाद केले के मिश्रण को 5 मिनट रूम टेम्परेचर पर ठंडा करें। ठंडा करने के बाद आप इसे फ्रिज में 10 मिनट के लिए सेट करने के लिए रख दीजिए। 10 मिनट बाद हमारा केले की बर्फ़ी बनकर तैयार है। इसे हम काटेंगे। काटने के लिए पहले कोनों को मैं काट लूँगी ताकि बर्फ़ी की शेप हमारी परफेक्ट बनकर आए। कोने हमने काट लिए हैं, अब बर्फ़ी को अपने पसंद के आकार में काट लीजिए। बर्फ़ी को मैंने यहाँ काट लिया है और हमारे केले की बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है।